escort. What the hell is going on in there? We need reinforcements. Track team, SWAT, crime cops. Gordon. All the city's riot police are on the island with you. It's okay. No one's gonna hurt you. क्या डीसी कॉमिक्स हैं ऑडियंस की फेवरेट? क्यों रीबूट किया गया बैटमैन का किरदार? क्या है 2022 के बैटमैन की सबसे स्पेशल क्वालिटी? दोस्तों, भारत में डीसी कॉमिक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी से तो हम सभी वाकिफ हैं। डीसी कॉमिक्स ने हमें बैटमैन, जोकर, द डार्क नाइट और वंडर वुमन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों से इंट्रोड्यूस कराया है। ये कहना गलत नहीं होगा दैट वन कैन नेवर गेट इनफ आउट ऑफ डीसी कॉमिक कैरेक्टर्स, क्योंकि इनके किरदार होते ही इतने दिलचस्प हैं। वेल हेलो दोस्तों, पॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग हॉलीवुड मूवी दी बैटमैन के बारे में। दी बैटमैन इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट अमेरिकन सुपर हीरो मूवीज है, जो कि डीसी कॉमिक के कैरेक्टर बैटमैन पर बेस्ड है। असल में यह फिल्म डीसी कॉमिक्स की बैटमैन फ्रेंचाइज का ही रीबूट है। DC Comics द्वारा प्रोड्यूस्ड और Warner Brothers द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड इस मूवी ने रिलीज होते ही सुपर हीरोज की दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है। 4 मार्च को ग्लोबली रिलीज हुई इस फिल्म का प्रीमियर 1 मार्च को न्यूयॉर्क में हुआ था और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि $200 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने $712 मिलियन की कमाई करते हुए हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया है। मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन का किरदार निभाया, वहीं पॉल डानो और जेफरी राइट जैसे बड़े कलाकार भी फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बैटमैन के पीछे की कहानी और क्यों किया गया बैटमैन को एक बार फिर रीबूट। भले ही बैटमैन लगभग 30 साल पुराना किरदार है, लेकिन अभी भी वो एक एक्सपीरियंस्ड क्राइम फाइटर नहीं है। बैटमैन का किरदार ऐसा है जिसे जितना एक्सप्लोर कर लिया जाए उतना कम है, और इसीलिए फिल्म के डायरेक्टर मैट रीव्स ने बैटमैन के किरदार को एक बार फिर रीबूट करने का फैसला लिया ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल और अपनी फुल फॉर्म में आ सके। मूवी में जो चीज बैटमैन को सबसे खास बनाती है वो ये है कि वो खुद अपने बैटमैन पर्सोना और ब्रूस की पब्लिक आइडेंटिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। यूजुअली हमारे सुपर हीरोज काफी परफेक्ट होते हैं और उनमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन इस बार का बैटमैन काफी फ्लॉड है और उसका खुद पर काबू नहीं है। अपने रेज और गुस्से पर काम करते हुए बैटमैन ने इस बार दर्शकों को ये दिखाना चाहा है कि बैटमैन का किरदार इज नॉट ऑल अबाउट वेंजेंस, यानी कि बैटमैन का किरदार सिर्फ पावर और बदले से बहुत आगे है और उसका काम लोगों को इंस्पायर करना और उन्हें उम्मीद की किरण दिखाना भी है। फिल्म डायरेक्टर मैट रीव्स का मानना है कि एक सुपर हीरो वो नहीं है जो सिर्फ अपनी पावर से लोगों को बचाए या फिर सिर्फ बदला लेने की भावना रखे, लेकिन एक सुपर हीरो वो है जो मुसीबत ना होने पर भी लोगों को अपने एक्शन से इंस्पायर करे। मैट रीव्स चाहते थे कि लोगों के मन में सुपर हीरोज की जो परफेक्ट हाई स्टैंडर्ड वाली इमेज बनी हुई है वो उसे थोड़ा कम करें और लोगों को एक रियलिस्टिक अप्रोच दिखाएं। वर्चुअल फिक्शन मूवी के द्वारा मैट रीव्स ने यहाँ लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि एक सुपर हीरो में भी खामियां होती हैं और रियल वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम से परेशान ना होते हुए अच्छी चीजों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपने दी बैटमैन देखी या नहीं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।